वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी में कहाँ पे मोमेंटम हुआ था और कल के दिन हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना ट्रेड यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो जो मैंने सबसे पहले अपना ट्रेड लिया था वो मैंने बैंक निफ्टी में लिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये ट्रेड मैंने इस रीजन से लिया था, आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है और हैमर कैंडल पे मैं अक्सर ट्रेड करना पसंद करता हूँ। तो इस हैमर कैंडल पे ही मैंने ट्रेड पोजीशन बनाया हुआ था। ये जो हैमर कैंडल है आप देखेंगे तो इसी हैमर कैंडल पे जैसे इसने ब्रेक किया है वहाँ पे हमने अपना ट्रेड पोजीशन बनाया है और मैंने स्टॉप लॉस ठीक अपना इसका लो कर रख दिया था। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 1:1 अराउंड यहाँ पे हम लोग को टारगेट लिए हम लोग यहाँ पे, उसके बाद मैंने पोजीशन को कट कर दिया था। तो ये पहला ट्रेड था हमारा बैंक निफ्टी में। गाइस बात कर लेते हैं कि कल के दिन हम लोग इसमें क्या प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्रॉइंग को रिमूव कर दे रहा हूँ, ओके। और इसे अब हम लोग 15 मिनट के अंदर में देख लेते हैं गाइस। ओके 15 मिनट कैंडल में देखेंगे तो कहीं ना कहीं बायर्स अभी भी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। जैसे मैंने कल के एनालिसिस में बताया था कि कल के दिन अगर मार्केट कहीं फ्लैट ओपन होता है और यहाँ कहीं और इसे ब्रेक करेगा तो कंटिन्यू हम लोग बाइंग ट्रेंड में जाएंगे। और अगर कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर मार्केट गैप अप खुलता है उस रेंज में भी एक सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकता है। बट आप देखेंगे तो सपोर्ट तो लिया बट यहाँ पर एक डबल टॉप यहाँ पर इसने क्रिएट करके नीचे की ओर निकल चुका है। और आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर दिखाना शुरू किया। तो हम लोग के लिए अभी इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं आज का जो इसने एक लो लगाया है वो हम लोग के लिए एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। जो यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ तो आपका ये आ रहा है सपोर्ट निकल के गाइस। तो ये एक अपना मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया है। कल अगर मार्केट अगर इस रेंज पर खुलता है और यहाँ पे आवर करता है और देन इसे ब्रेक करता है तो फिर एक नया लो हम लोग को फिर से देखने को मिल सकता है जो कुछ यहाँ तक का ही हो सकता है 44,800 के नियर अबाउट। और एक इसके पास राउंड लेवल है जो 45,000 का है, यानी 45,000 का एक राउंड लेवल है। यहाँ तक का भी मार्केट आ सकता है यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। सेलिंग के लिए बात कर लेते हैं हम लोग, तो सेलिंग के लिए हम लोग इसके ऊपर ही प्लान करेंगे। आप देखेंगे एक ट्रेड लाइन भी बनते हुए दिख रहा है यहाँ पर। अगर कल मार्केट इसके नीचे जाता है तो सेलिंग करेंगे, बाइंग के लिए हम लोग इसके ऊपर ही प्लान करेंगे। पर अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में इस रेंज के ऊपर खुलता है यहाँ पर और या तो फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे निकलता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड में जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता है या गैप डाउन तो हम लोग उस कंडीशन में थोड़ा सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है, उसमें हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में भी हमारा एक ट्रेड पोजीशन बना हुआ था वो मैं 5 मिनट कैंडल में आपको यहाँ पे दिखा दे सकता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा ट्रेड था ये कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट ट्रेड था। आप देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रेड लाइन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था और नीचे से एक ट्रेड लाइन यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे फॉलो करा था और इस कैंडल पे कहीं ना कहीं हमारा एंट्री था। जैसे यहाँ पे क्लोजिंग किया है एक अच्छे लेवल पर, यहाँ पर एंट्री लिया और ठीक इसके नीचे का लो हम लोग ने ऐसा रखा हुआ था और यहाँ पर एक अच्छा खासा हम लोग को रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मिल चुका था। गाइस यहाँ पे 30-40 पॉइंट मिल चुका था और इसके बाद मैंने इसको भी एग्जिट कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे तो साफ, क्योंकि कल मोमेंटम बहुत बड़ा नहीं हो रहा था, जब भी हो रहा था तो एक शॉर्ट मोमेंटम हो रहा था कल गाइस, इसलिए तो यहाँ पे हम लोग ने छोटा छोटा अपना प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड को क्लोज किया है। अब इसमें हम लोग कल के दिन क्या प्लान कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्राइंग को रिमूव कर दे रहा हूँ, ओके। एंड देन इसे हम लोग 50 मिनट कैंडल में देख लेते हैं। 50 मिनट कैंडल में देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी भी मार्केट एक लेवल पे अपने आप को होल्ड किया हुआ सस्टेन कर रहा है। अब कल के दिन इम्पॉर्टेंट होगा, मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप उस कंडीशन में हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पे मार्केट निकल सकता है गाइस ऊपर। और सेलिंग के लिए बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट कल गैप डाउन खुलना चाहिए या अदरवाइज कुछ ज़्यादा गैप डाउन, क्योंकि इसके पास एक ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है यहाँ पे 19,600 का जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट कहीं यहाँ फ्लैट गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ कहीं ओवर करके एक दो घंटा उसके बाद यहाँ पे नीचे जाता है तो फिर हम लोग को यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर भी देखने को मिल सकता है गाइस। तो यहाँ पे हम लोग फ्लैट या गैप अप में हम लोग बाइंग का ही प्लान करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे सेलिंग के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में भी देखेंगे तो एक ट्रेड पोजीशन मैंने बनाया हुआ था, आज तीनों में हम लोग ने एक एक ट्रेड लिया है। और इसमें जो मैंने ट्रेड लिया हुआ था आप देखेंगे तो 5 मिनट कैंडल में,
तो यहाँ कहीं मैंने ट्रेड लिया होता। रीज़न था इसमें गाइस, क्योंकि यहाँ पे एक आप देखेंगे तो लोअर लो यहाँ पे इसने शुरू कर दिया था बनाना, आप देखेंगे, क्योंकि ये अपने डे जो हाई का था वो उसको नहीं ब्रेक कर रहा था। इसी रेड कैंडल पे मैंने ट्रेड पोजीशन बनाया हुआ था, आप देखेंगे यहाँ पे, और इसका हाई का मैंने रखा हुआ था, बट बाद में इसको ट्रेड किया मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर किया, आप देखेंगे, उसी के बाद एक अच्छा खासा हम लोग को एक टारगेट हमारा डन कर दिया था गाइस। तो एक ट्रेड हमारा इसमें था, और उसमें रीज़न था कि कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चल रहा था, और उसी के बेस पे हम लोग ने यहाँ पे एक सेल का पोजीशन बनाया हुआ था। बात कर लेते हैं इसमें कल के दिन के लिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्राइंग को रिमूव कर ले रहा हूँ, और इसको हम लोग 50 मिनट कैंडल में देख लेते हैं। 50 मिनट कैंडल में देखेंगे तो ये भी एक जैसे बैंक निफ्टी ने अपना एक सपोर्ट क्रिएट किया है, तो सेम यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी ने भी एक सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम की तरह यहाँ पे भी काम कर सकता है। तो इसके पास भी एक यहाँ पे ट्रेड लाइन है, अगर कल मार्केट गैप अप या फिर यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर निकलता है उस कंडीशन में हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे, और ये फिर से यहाँ पे एक बार 20,500 के लेवल को टेस्ट करने आ सकता है। अदरवाइज अगर कल मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है या फिर नियर अबाउट इसके नीचे खुलता है और क्लोजिंग देता है अगर, तो फिर हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। जो हमारा लेवल रहेगा सपोर्ट अगर देखेंगे तो हमारे पास 20,000 का यहाँ पे सपोर्ट की तरह ये काम कर सकता है गाइस इसमें। तो आज के लिए गाइस इतना ही, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।